भीलवाड़ा जिले के जाजपुर में माली समाज लक्ष्मी नारायण मंदिर में हुई चोरी, मंदिर से दो मूर्ति और दो चांदी की गाय हुई गायब। तुंगा थाना क्षेत्र में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए सहायक उप निरीक्षक छाजूलाल शर्मा और दलाल दीपक सिंह को परिवादी से 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। राजकीय संस्कृत विद्यालय में शिक्षक अक्षय राज मीणा ने नशे में मचाया उत्पात, विद्यालय के प्रधान अध्यापक के साथ की हाथापाई, ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग की। झालावाड़ पुलिस की स्पेशल टीम ने पूर्व पालिका अध्यक्ष रामलाल गुर्जर की हत्या का प्रयास में घूम रहे दो शूटर्स को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 3 पिस्टल और 38 जिंदा कारतूस बरामद किए। झालावाड़ जिले के झालरापाटन थाना पुलिस ने शेखर उर्फ लॉरेंस की हत्या की योजना बनाते हुए स्पेशीटर सागर कुरेशी को गिरफ्तार किया है। नागौर जिले के रियाबणी में बीसीएमओ सुशील दिवाकर के निर्देशन पर लाडवा एएनएम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने घर पर जाकर डेंगू मलेरिया का सर्वे कर आमजन को जागरूक किया है। नागौर जिला मुख्यालय पर बीजेपी कार्यालय के उद्घाटन से पूर्व बीजेपी कार्यालय पर परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है। नागौर जिले के नाड़ा गांव में अनियंत्रित होकर बोलेरो गाड़ी से पलटने से बोलेरो सवार दो लोग घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही मुंडवा थानाधिकारी रिछपाल सिंह मौके पर पहुंचे। नागौर जिले के मेहता सिटी में कातिया सनी गांव के निकट वैन को ट्रेलर ने मारी टक्कर, हादसे में 3 लोग हुए घायल। नागौर जिले के पर्वतसर में मेगाराम हत्या आत्महत्या मामले में फरार आरोपी को किया गिरफ्तार की मांग को लेकर 12 दिन से परिजनों का धरना जारी है। डूंगरपुर जिले के आसपुर में मनरेगा कार्मिकों के समर्थन में एलडीसी संघ भी उतर आया है। एलडीसी संघ ने विकास अधिकारी को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है। डूंगरपुर जिले के एक स्कूल में सत्रांत कार्यक्रम का आयोजन हुआ, इस दौरान बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। डूंगरपुर जिले के ढूंढा गांव में दो भाइयों द्वारा खेत पर किए गए अतिक्रमण को प्रशासन की मदद से हटाया गया है। डूंगरपुर जिले की दोबड़ा थाना पुलिस ने हत्या के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। डूंगरपुर जिले की भाजपा ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर दोबड़ा क्षेत्र के बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भाजपा ने बीएलओ पर उपचुनाव से पहले 215 वोटर्स के नाम हटाने का आरोप लगाया। बीदासर में जाकर परिवार की ओर से 4 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सांख्यिकी विभाग की ओर से शिविर का आयोजन कर जरूरतमंदों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई है। चुरू जिले के तारानगर में संचालित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संस्कार केंद्र पर मातृ सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। चुरू जिले के सुजानगढ़ में ग्रामीणों का भीषण गर्मी में भी राशन सामग्री लेने के लिए 3 से 5 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। ग्रामीणों ने वार्ड नंबर 4 से 8 में अस्थायी राशन वितरण व्यवस्था करवाने की मांग की। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव प्रमोद बंसल ने सखी सेंटर का निरीक्षण किया है। चैनपुरा की ढाणी में पति पत्नी के साथ मारपीट करने वाले दो लोगों के खिलाफ बिलाड़ा थाने में मामला दर्ज हुआ है। जोधपुर जिले के संबाड़िया गांव में महिला को भगाकर ले जाने वाले युवक के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज हुआ है। जोधपुर के भुजकरा गांव में हवाई फायर कर 15,000 रुपए लूटने का मामला सामने आया, 6 लोगों के खिलाफ बिलाड़ा थाने में मामला दर्ज हुआ है। जोधपुर जिले के बिलाड़ा में बलात्कार के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने वाले 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। जोधपुर जिले के भावी गांव से ट्रक चोरी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिलाड़ा नगर पालिका के डंपिंग यार्ड में अचानक से आग लगी, दमकल की मदद से आग पर पाया गया काबू। जोधपुर के फलौदी में भामाशाह कुंज बिहारी बोहरा की स्मृति में रेल यात्रियों को निःशुल्क पानी पिलाया गया है। जोधपुर जिले की तिबड़ी में 3 युवकों के खिलाफ मारपीट करने का मामला दर्ज हुआ है। जोधपुर जिले के फलौदी में जीरे से भरा ट्रक चोरी होने के बाद मंडी व्यापारियों और किसानों ने दिया धरना, वहीं प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन के बाद धरना स्थगित किया गया। बावड़ी कस्बे में किसानों की सुविधा के लिए बनाई गई कृषि मंडी शुरू होने से पहले ही देखरेख के अभाव में जर्जर हो रही। पथारिया थाना इलाके से एक नाबालिग लड़की हुई लापता, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। स्वास्थ्य केंद्रों पर निक्षय दिवस के उपलक्ष्य में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, आमजन को टीबी रोग के प्रति जागरूक किया गया। बागोड़ा के उपचुनाव में मतदाताओं में नहीं दिखा उत्साह, बागोड़ा पंचायत समिति सदस्य के लिए 21.90% बागोड़ा में हुआ मतदान। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर प्रतिदिन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भवन में प्री काउंसिलिंग की जा रही है। गोयला टांटोटी सड़क मार्ग खस्ता हाल होने से वाहन चालक परेशान, विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते आए दिन हो रही है दुर्घटना। श्री सीमेंट लिमिटेड ब्यावर द्वारा बालिका समृद्धि योजना के तहत चयन परिवार की बेटी की शादी में उपहार सामग्री भेंट की गई। अजमेर जिले के कुमारिया गांव में 9 दिवसीय कुंडिया श्रीराम महायज्ञ का आयोजन किया गया। अजमेर जिले के ब्यावर शहर में चल रहे श्रीमद भागवत कथा के दौरान कथा वाचक श्याम प्रसाद महाराज ने श्रोताओं को कथा का रसपान करवाया। ब्यावर शहर के लोकाशाह नगर चल रही श्रीमद भागवत कथा के दौरान नंदोत्सव का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर जिले के जैतसर में पानी की समस्या के समाधान की मांग को लेकर कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है। सादुल शहर के दौलतपुरा गांव पहुंचे विधायक जगदीश चंद्र जांगड़, गांव के कई गणमान्य व्यक्तियों ने कांग्रेस का दामन थामा। श्रीगंगानगर जिले के श्रीविजयनगर में ब्लॉक के मनरेगा मेट्रो ने विरोध प्रदर्शन करते हुए 5 सूत्री मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है।
श्रीगंगानगर जिले के घरसाना में संचालित पटेल महाविद्यालय में चल रहे 7 दिवसीय इंग्लिश स्पीकिंग सेमिनार का जिला प्रमुख कुलदीप इंदौरा ने निरीक्षण किया है। हिंडौन सिटी की कटकड़ नदी में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई, पुलिस मामले की जांच में जुटी। करौली जिले के इंदौर में पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर तेज आवाज में डेक बजाने पर आरोपी को गिरफ्तार किया है। करौली जिले के सपोटरा में तकनीकी खराबी के कारण 6 दिन से भीषण गर्मी में लोगों को पीने के पानी का संकट बना हुआ है। करौली जिले के टोडा भीम में नाली निर्माण करवाए बिना ही भुगतान उठाने के मामले को लेकर सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। करौली जिले के इंदौर में विधायक लाखन सिंह कटकड़ ने ग्राम पंचायत चिन्याटा में शादी समारोह में शिरकत की है। बारा जिले के बोहत गांव में संचालित शराब की दुकान में रात के 8 बजे के बाद भी शराब बेची जा रही है। बारा जिले के शाहबाद में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान भगवान की शोभा यात्रा निकाली गई है। बारा जिले के सरकनिया गांव के पास सरिये से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई है। बारा जिले के रायतल गांव के राजीव गांधी सेवा केंद्र में प्रमुख आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जनसुनवाई की गई है। बारा जिले के अंता में मंत्री ने 3.25 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास किया है। भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर में चोरों ने मकान को बनाया निशाना, चोर 10 तोला सोना और 300 ग्राम चांदी के आभूषण ले गए। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर निगम कार्यालय पर धरना दिया है। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में पटवारी ने वाल्मीकि समाज के बारात का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया है। भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ में 3 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। पाली जिले के घिनड़ी ग्राम में मेघवाल समाज के बाबा रामदेव मंदिर के 4 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान 325 कन्याओं ने कलश यात्रा निकाली। जैतारण के रूपनगर में पुलिस की मौजूदगी में दलित दुल्हे की बारात निकाली गई। पाली जिले के पालना के युवक ने ब्लड देकर गर्भवती महिला की जान बचाई। रायपुर के झूठा ग्राम पंचायत पर ताला लटकने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, शिकायत के बाद भी अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। पाली जिले के नारलाई में बिजली का तार टूटकर गिरने से आग लग गई, आग के कारण एक ट्रॉली चारा जलकर राख हो गया है। पाली जिले के नीमाज गांव में कुमावत समाज का 12वां सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित हुआ है। पाली जिले के देसूरी में सीरवी समाज के एक परिवार ने पुरानी परंपरा के अनुसार दुल्हे की बारात बैलगाड़ी से निकाली। मनिया थाना पुलिस ने ट्रक लूटने के मामले में 12 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। धौलपुर जिले के नंदनपुर थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। धौलपुर शहर के प्रतिष्ठित श्री महामाया मंदिर पर संगीतमय श्रीमद भागवत कथा का आयोजन किया गया है। धौलपुर जिले के बाड़ी में आयोजित श्रीमद भागवत कथा के दौरान ग्रामीणों की भीड़ देखने को मिली। मंचकूट चौराहे पर पुलिस सहायता केंद्र पर पक्षियों के लिए परिंडे लगाए गए। चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा में बाइक और स्कूटी के बीच हुई जोरदार टक्कर, हादसे में 3 लोग हुए घायल। चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा में परमाणु बिजलीघर के आवासीय कॉलोनी में शॉर्ट सर्किट होने से एक स्कूटी में आग लग गई। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासर में शॉर्ट सर्किट के चलते कार बनी आग का गोला। चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा में ढाबा संचालक के अपहरण और जानलेवा हमले के मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू में जंगली जानवरों का आतंक बढ़ गया है, भीषण गर्मी के चलते जानवर जंगल से बाहर निकलकर गांव में बछड़ों को अपना शिकार बना रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा में राजस्थान मेघवाल समाज सुधार सोसायटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना ने शिरकत की। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू में समस्त नरेगा कार्मिकों ने कार्य का बहिष्कार कर पंचायत समिति के बाहर धरना प्रदर्शन किया है। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू क्षेत्र में बेसहारा गौवंश की संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने से गौवंश की दुर्गति हो रही है। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू में डॉक्टर G.R. बुक्कल के परिवार ने वाटर कूलर भेंट किया है। बांसवाड़ा जिले के मुगाड़ा गांव में कार अनियंत्रित होकर पलट गई, हादसे में 5 लोगों के घायल होने की सूचना सामने आई है। बांसवाड़ा जिले के वीरपुर गांव में खेत पर पानी की मोटर की मरम्मत करते समय करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। बांसवाड़ा जिले के सेनावासा गांव में व्यापारियों ने अपनी दुकान और घर के बाहर पक्षियों के लिए परिंडे लगाए। बांसवाड़ा जिले के खोरापाड़ा के जंगल में पेड़ से लटका मिला युवती का शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। ओसिया के चंडालिया गांव में शिक्षक मूलाराम सुधार की स्मृति में उनके बेटों ने कौशाला में जल मंदिर का निर्माण करवाया है। जोधपुर जिले के ओसिया कस्बे में नवनिर्मित श्री राधे कृष्ण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ओसिया के चराई कस्बे में मोटरसाइकिल से गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जोधपुर जिले के भोपालगढ़ कस्बे में नगरपालिका सफाई व्यवस्था पर ध्यान नहीं दे रहा। बीकानेर जिले के नापासर में एक कैंपर चालक ने बाइक को टक्कर मारी, हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बीकानेर जिले के देशनोक में पानी की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया है। बीकानेर जिले के लूणकरणसर में अज्ञात कारणों के चलते ऑयल मिल के प्लांट में आग लग गई। सवाईमाधोपुर जिले के मलाना डूंगर में बढ़ते तापमान के चलते CHC में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। सवाईमाधोपुर जिले के खंडार में भाजपा मंडल अध्यक्ष गंगा शंकर गौतम के पिता की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। सवाईमाधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा कस्बे में इन दिनों गंदगी का ढेर लगा हुआ है, जिसके कारण बीमारी फैलने का अंदेशा बना हुआ है। सवाईमाधोपुर जिले के बौली में अवैध वशीकरण बना परेशानी का सबब।
सवाईमाधोपुर चाइल्ड लाइन टीम द्वारा स्ट्रीट चिल्ड्रन का सर्वे किया जा रहा है। जिला कलेक्टर के निर्देशन पर सड़क पर रहने वाले बच्चों को चिन्हित करके उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। जबरामगढ़ के शेखों के ढाणी में 7 पशुबाड़ों में अचानक से आग लगी, आग में सारा सामान जलकर खाक हो गया। जी राजस्थान की खबर का असर, कालाग्राम पंचायत में विद्युत निगम के 5 दिन बाद बदला खराब ट्रांसफार्मर। तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष और सेशन न्यायाधीश के निर्देशन में तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर का आयोजन किया गया। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के मालाखेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भीषण गर्मी के चलते मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अलवर जिले के नारायणपुर कस्बे के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उल्टी दस्त के मरीजों का निःशुल्क उपचार किया जा रहा है। अलवर जिले के बानसर में बुर्जा से चतरपुरा सड़क का निर्माण कार्य शुरू, सड़क बनने के बाद 3 गांव के लोगों को पहुंचा फायदा। अलवर जिले के गोविंदगढ़ क्षेत्र में बनाए गए नए नाले को अज्ञात लोगों ने तोड़ा। अलवर जिले के बानसर में खसाल सड़क से वाहन चालक परेशान, जिससे चलते टेम्पो का एक टायर निकल गया। बायको विधायक हरीश चौधरी के जन्मदिन पर 13 मई को आयोजित होने वाले विशाल रक्तदान शिविर के पोस्टर का विमोचन किया गया है। बाड़मेर जिले के शिव थाना क्षेत्र में परिवार पर जानलेवा हमला कर युवती का अपहरण करने के मामला सामने आया है। पुलिस ने 40 किलोमीटर तक बदमाशों का पीछा कर दबोचा। कोटा जिले के रामगंज मंडी में पूर्व मंत्री स्वर्गीय रामकिशन वर्मा की चौथी पुण्यतिथि पर रामगंज मंडी कांग्रेस के पार्षदों ने उनकी तस्वीर पर पुष्पमाला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कोटा जिले के रामगंज मंडी में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर भारत माता रथ सातल खेड़ी गांव पहुंची। सुल्तानपुर नगर में ब्राह्मण समाज द्वारा भगवान परशुराम जयंती के मौके पर सीएसटी में मरीजों को ठंडा शरबत पिलाया गया। कोटा जिले के सुल्तानपुर क्षेत्र में दिनों दिन तेजी से बढ़ती जा रही आगजनी की घटनाएं, पाबंदी के बावजूद खेतों में किसान लगातार पराली चला रहे हैं। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर में श्रद्धा और आस्था के प्रतीक भगवान नरसिंह लीला का महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। सीकर जिले के फतेहपुर के 9 एसएफआई कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। सीकर जिले के बलारा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध देसी कट्टे के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। उदयपुर जिले के कुराबड़ थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 5,000 के नामी बदमाश ईश्वर सिंह को गिरफ्तार किया है। उदयपुर जिले के कुराबड़ वन क्षेत्र में तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से पैंथर की मौके पर ही मौत हो गई। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने अपनी कार्रवाई में करीब 10 साल से फरार चल रहे 4 स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने वन अधिनियम और जंगल से लकड़ी चोरी करने के मामले में बीते 1.5 महीने से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। प्रतापगढ़ जिले में खेती के दौरान कड़ी लकड़ी से किसान की मौत हो गई। प्रतापगढ़ जिले के 12 वर्धा मोड़ पर लिफ्ट देकर व्यापारी से बंदूक के नोट पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। अरनौ थाना पुलिस ने शादी की छुट्टी पर जाने से पहले थाने में महिला कांस्टेबल की हल्दी की रस्म अदा की है। दौसा जिले के लांका वन क्षेत्र में एक मादा पैंथर के अज्ञात कारणों के चलते मौत हो गई। दौसा जिले में भाजपा कार्यालय का शिलान्यास किया गया, इस दौरान सांसद जसकौर मीणा भी मौजूद रहे। दौसा जिले की सिगराई में ग्रामीणों ने माधो सागर बांध और कालाखो बांध को जोड़ने की मांग की है। सीकर जिले के निम्बा थाना में एक दर्जन बदमाशों ने दुकान में घुसकर तोड़फोड़ की और मारपीट की वारदात को अंजाम दिया है। टोंक जिले के मालपुरा में पुलिस ने 700 लीटर हथकर शराब जब्त की है। वही शराब की आधा दर्जन भट्टियों को नष्ट किया है। टोंक जिले के दुनीर में खड़े ट्रेलर को दूसरे ट्रेलर ने टक्कर मार दी, हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। टोंक जिले के टोडा एसपी ने शराबी युवकों ने महिलाओं का रास्ता रोककर छेड़खानी की वारदात को अंजाम दिया है। अलवर जिले के बहरोड़ में सनकी फौजी ने अपने ही परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। अलवर जिले के थानागंज में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन हुआ। हैरतल क्षेत्र के परी माता मंदिर मेले में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर माता का धूप लगाया। अलवर जिले के राजगढ़ में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जागरूकता रैली निकाली। अलवर जिले की तिजारा पुलिस ने गुमशुदा बच्चों को 2 दिन के अंदर दस्तयाब किया है। अलवर जिले की तिजारा पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक बाइक को चोर को दबोचा है। राजस्थान निरोगी अभियान के तहत मुंडावर बीसीएमओ कार्यालय की ओर से नशा मुक्ति रैली निकाली गई। हनुमानगढ़ में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पहुंचने पर भाजपा जिलाध्यक्ष सुशील जोशी के नेतृत्व में बाइक रैली निकालकर स्वागत किया गया। सिरोही जिले के आबू रोड में ट्रक और कार के बीच में टक्कर हो गई। सिरोही जिले के शिवगंज में स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। सत्तर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इंद्रगढ़ निवासी वरिष्ठ पत्रकार दुर्गा शंकर पुरोहित का निधन होने पर किशोराय पाटन विधानसभा क्षेत्र के पत्रकारों ने शोक जताया है। बूंदी जिले के नरमा में डिस्कॉम कार्यालय के स्टोर में अचानक से आग लग गई। सीकर जिले के रीगा कस्बे में ट्रक की बॉडी को काटते समय अचानक से आग लग गई। जैसलमेर जिले के रामदेवरा कस्बे में रामड़ा राजपुर धर्मशाला से पोकरण रोड जाने वाली सड़क खस्ता हाल है। जैसलमेर जिले के फलसूर में जलदाय विभाग के पास बनी एसआर टंकी के ओवरफ्लो होने से लगातार पानी बह रहा है। जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ में गायों में अज्ञात बीमारी फैलती जा रही है। झालावाड़ जिले की भवानी मंडी थाना पुलिस ने मोबाइल शॉप से करीब 80,000 रुपए के मोबाइल फोन चुराने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। झालावाड़ जिले के बकानी कस्बे में दीपक लगाते समय महिलाएं बुरी तरह से झुलस गई है। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना क्षेत्र के भवानीपुर के जंगलों में एक प्रेमी जोड़ी ने पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली है। नगरपुर जिले के आसपुर थाना क्षेत्र के गोल गांव के पास टोले से मार्बल का ब्लॉक अचानक से गिर गया है। नगरपुर जिले के आसपुर में शिक्षा विभाग के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय पीईओ की बैठक का आयोजन हुआ है। भीलवाड़ा के आसंद में माता पैंथर ने 2 शावकों को जन्म दिया है। भीलवाड़ा के आसंद में 2 गुटों में खूनी संघर्ष हो गया है। भीलवाड़ा के रायला में ख्वाजा साहब दर्शन के लिए जा रहे दर्शनार्थियों की कार हादसे का शिकार हो गई।
नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सीकर जाते समय सड़क हादसे पर सड़क में इंसानियत दिखाते हुए अपने काफिले को रोककर घायलों की मदद की।